मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीद्वारा जलपाइगुडीमा सर्किट बेन्चको उद्घाटन, कालेबुङमा आइटी पार्कको विनय तामाङद्वारा उद्घाटन, कालेबुङमा आइटी पार्कको उद्घाटन राज्य सरकारद्वारा कालेबुङका लागि ठुलो उपहार रहेको चेयरमेन विनय तामाङ लगायत अन्यको भनाई। लोकसभा चुनावमा मोर्चाले तेस्रो मोर्चासँग गठबन्धन गरेर प्रार्थी उठाउने विनय तामाङको भनाई। भाजपालाई कुनै पनि हालतमा हराएर छोड्ने मोर्चा अध्यक्षले दोहोऱ्याए सफर। नमस्कार, गोर्खा च्यानलको न्यूज बुलेटिन समाचार टाइम्समा यहाँलाई स्वागत छ। राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले शनिबार जलपाइगुडीमा सर्किट बेन्चका साथै विभिन्न परियोजनाहरू उद्घाटन गरेकी थिइन् भने तीमध्ये एउटा कालेबुङ आइटी पार्कको पनि उद्घाटन रहेको थियो। सोही उद्घाटनलाई यता कालेबुङमा जमिनी स्तरमा जिटिए चेयरम्यान विनय तामाङले पनि उद्घाटन गरेका छन्। राज्यकी मुख्यमन्त्री सुश्री ममता ब्यानर्जीले आज जलपाइगुडीमा जुन सर्किट बेन्चको जुन उद्घाटन माने उहाँले गर्नुहुँदैछ भनेदेखिको त्यही सर्किट बेन्चको साथसाथमा कालेबुङको आइटी पार्कको पनि उनले वहीँबाट त्यसको अनावरण अर्थात् उद्घाटन गर्नुहुनेछ र त्यही उद्घाटनको एउटा प्रति आकृति भनौँ त्यसको त्यसको सिम्बल भनौँ या कालेबुङमा त्यसको उद्घाटन जिटिए बोर्ड अफ एडमिनिस्ट्रेसनका चेयरम्यान श्री विनय तामाङको बाहुलीबाट हुन गइरहेको छ। अहिले हामी यहाँ कालिम्पोङको यो 10 माइल भुटान हाउस छेउ यो जुन एउटा टासिडिम जुन एउटा बिल्डिङ छ यसलाई सरकारले किरायमा लिएर अहिले फिलहालको रूपमा भनौँ अब प्रारम्भिक रूपमा यसलाई आइटी पार्कको रूपमा यसलाई सुरुवात गर्न गइरहेको छ भनेदेखिको आज त्यसको आज यहाँ उद्घाटन हुन गइरहेको छ र राज्य सरकारको प्रोजेक्ट अफ इन्फर्मेसन एन्ड टेक्नोलोजी एन्ड इलेक्ट्रोनिक डिपार्टमेन्ट गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गाल यो एउटा इन्फर्मेसन विभागको अन्डरमा यो कालिम्पोङको आइटी पार्कको आज उद्घाटन हुन गइरहेको छ र त्यो उद्घाटन श्री विनय तामाङको बाहुलीबाट हुन गइरहेको छ भनेदेखिको यसको यहाँ उपस्थितिहरूमा विशेष गरी कालिम्पोङ जिल्लाका जिल्लापाल लगायत यो सम्बन्धित विभागका अधिकारीहरूको पनि यहाँनिर उपस्थित हुनेछ र हामी गोर्खा च्यानल मार्फत तपाईँलाई यो आइटी पार्कको उद्घाटन समारोह लगायत यो आइटी पार्कको सम्पूर्ण ब्यौरा गोर्खा च्यानल मार्फत हामी तपाईँलाई दिनेछौँ। कालेबुङको निम्ति राज्य सरकारबाट एउटा ठुलो सौगातको रूपमा खोलिएको यस आइटी पार्क अहिलेलाई कालेबुङ 10.5 माइल स्थित एउटा किरायको बिल्डिङमा सुरु गरिएको छ। पश्चिम बङ्गाल सरकारको सूचना तकनिकी एवं वैद्युतिक विभागको एक परियोजनाको रूपमा सुरु गरिएको यस आइटी पार्कलाई वेस्ट बेङ्गल इलेक्ट्रोनिक्स इन्डस्ट्री डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन लिमिटेड अर्थात् वेभेलले क्रियान्वयन गरिरहेको छ। शनिबार जिटिए चेयरम्यान विनय तामाङले यहाँ यस केन्द्रको विधिवत उद्घाटन गरे। यस अवसरमा राज्यसभा सांसद शान्ता छेत्री, जिल्लापाल डाक्टर विश्वनाथ, अतिरिक्त जिल्लापाल पानीकर हरिशङ्कर, नगरपालिका चेयरम्यान रवि प्रधान, दार्जिलिङ विधायक अमर लामा, एसडिओ डाक्टर अभिजित सेवाले, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अतुल विश्वनाथन लगायत वेभेलका प्रबन्ध निर्देशक अनिन्दु च्याटर्जी, प्रोग्राम अर्गनाइजर प्रदीप मुखोपाध्याय, वेभेल कालेबुङका प्रभारी मानस दास आदि प्रमुख रूपले उपस्थित रहेका थिए। प्रवीण भूषालद्वारा सञ्चालित कार्यक्रमलाई चेयरम्यान विनय तामाङ, सांसद शान्ता छेत्री, नगरपालिका चेयरम्यान रवि प्रधान, जिल्लापाल डाक्टर विश्वनाथ लगायत वेभेलका एमडी अनिन्दु च्याटर्जी आदिले सम्बोधन गर्दै यो आइटी पार्क कालेबुङको लागि राज्य सरकारको तर्फबाट एउटा ठुलो उपहार रहेको बताए। अहिलेलाई यो आइटी पार्कमा 10.5 माइलमा किरायको बिल्डिङमा सुरु गरिए तापनि यसको आफ्नै 5 तले भवन यहाँको दुर्पिन क्षेत्र स्थित रिक्सा रोडमा निर्माण हुनेछ। यसको निम्ति राज्य सरकारबाट 35 करोड 10 लाख रुपियाँ आवन्टित भइसकेको छ। यस आइटी पार्क निर्माण भएपछि यहाँ प्रत्यक्ष रूपले कम्तीमा 1000 नोकरी सृष्टि हुनेछ भने अप्रत्यक्ष रूपले कम्तीमा 5000 रोजगार सृष्टि हुने वक्ताहरूले बताएका छन्।
र आज हामी फेरि पनि गर्वित छौँ, कालेबुङ एकदम खुसी छ, किनभने हाम्रो पार्टीको डियर चिफ हाम्रो विनय तामाङजी अनि अनित थापाज्यू र मुख्यमन्त्री सुश्री ममता ब्यानर्जीले जुन प्रकारले यस कुरालाई एउटा चयन गरेर एउटा आइटी पार्क हाम्रो निम्ति एउटा दिनुभएको छ, यो जग्गा जुन प्रकारले हाम्रो सपना सचाएको थियो त्योभन्दा एकदम ठुलो चिज बनिन गइरहेको छ। I think Kalimpong is going to make a mark for the first time in the IT industry. And I think Amre is in Nimti, Amro West Bengal government side on the same line. Dere dere vande maak chanau chan. अब हाम्रो नानीहरू पनि इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीमा पढेर बाहिर कोही कलकत्ता जाने, कोही सिलगढी जाने, कोही बङ्गला बेङ्गलोर जाने, दिल्ली जाने नगरेर हाम्रै यहाँ नै एउटा स्कोप छ र त्यो स्कोपको सदुपयोग निश्चय नै गर्नुहुन्छ भन्ने म आशा राख्दछु। र म विशेष गरेर हाम्रा डिएम महोदय जसको चाहिँ अन्डरमा यो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी डिपार्टमेन्ट छ, हो यो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी डिपार्टमेन्ट जिटिएको अन्डरमा आएको छैन, म आशा गर्छु हाम्रा अध्यक्ष हाम्रा विनय तामाङजीले निश्चय नै यस विषयमा पनि पहल गरेर यो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी पनि जिटिएको अन्डरमा आयो भने धेरै राम्रो हुनेछ र म उहाँलाई रिक्वेस्ट गर्छु। अराउन्ड 5 इयर हो गया दार्जिलिङ कालिम्पोङमा काम गर्दै थिए, मैले देखा कि बहुत सारा टैलेंट है आईटी सेक्टर में, दे आर वर्किंग वेरी हार्ड और उनका एक रिप्यूटेड नाम है कंट्री में। तो जैसा कि मुझे बीच बीच में इंफॉर्मेशन मिली और ऑलरेडी दिस इंफॉर्मेशन शेयर बाय आवर वेबल अथॉरिटी कि हम लोगों को भाई गॉड ने नेचुरल एक गिफ्ट दिया है कि हमें एसी की जरूरत नहीं है। बहुत सारी इंटरनेशनल जो आईटी कंपनी है दे विल एस्टेब्लिश देयर सर्वर यहाँ पर, उनको वो कॉस्ट बेयर नहीं करना पड़ेगा जो उनको नीचे जाकर बेयर कर रहे हैं। रियली ये लैंडमार्क दिन है, मैं बहुत बहुत जो है आभारी हूँ वहाँ को जॉइन यो भएर गएको हुन्छ र बेसी म समय लिन चाहन्न। यो एउटा ऐतिहासिक दिन भयो अनि यो ठुलो उपहार हो एउटा पहाडको लागि, यो ठुलो उपहार भएर गएको छ र यो हामीले यो गुण कहिले पनि बिर्सन सक्दैनौँ अनि अवश्य आउँदो दिनहरूमा अझ जुन प्रकारको अहिलेको माग छ, अहिलेको वर्तमान विश्वको टेक्नोलोजीमा पनि यो दार्जिलिङ पहाड आउँछ, अब हामी आशा साँचेछौँ। अनरेड सिएमए विश छिलो जे पहाडे आईटी पार्क हो, पहाड़े आईटी पार्क के, हाँ हिंदी में भी आता है उतना अच्छा नहीं आता है, तो हमारा ऑनरेबल सीएम का जो विश थे कि पहाड़ में आईटी पार्क हो, एक कालिम्पोंग एक दार्जिलिंग में, तो उस विषय में उन्होंने अनाउंस किए थे जलपाईगुड़ी रिव्यू मीटिंग में और वो अभी आईटी पार्क सब फॉर्मेलिटी हो गया है। गवर्नमेंट की तरफ से एक अपना बिल्डिंग बनने वाला है, बट यहाँ इतना अपॉर्चुनिटी है आईटी पार्क का और हमारा बहनों भाइयों के लिए ये अपॉर्चुनिटी शुरू करने के लिए हम लोग इमीडिएट जो बिल्डिंग मिला है उसमें शुरू कर दे रहे हैं और अभी ये बिल्डिंग में ऑलरेडी 2-3 कंपनी काम भी शुरू करने के लिए हम लोग को दरख्वास्त दे दिया है, तो उन लोग शुरू करेगा तो यहाँ एम्प्लॉयमेंट होगा और जब तक नया बिल्डिंग हो जाएगा तब तक धीरे धीरे आईटी पार्क और आईटी और आईटीएस बिजनेस और ये आईटी आईटीएस बिजनेस कैसे लोकल बिजनेस को हेल्प करता है वो लोकली स्प्रेड हो जाएगा। इसमें सब तरह का जो आईटी का बिजनेस कर रहा है उसका भी अच्छा होगा और जो ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहा है वो आईटी को यूज़ करके और भी बेटर उसका बिजनेस बढ़ा हुआ होगा, तो ये एक बहुत विन विन सिचुएशन है और ये कार्यकारी हो जाएगा। हमारे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग को बहुत हेल्प किए हैं और विनय तामांग जी और उनका उनके सारे सदस्य लोग अगर हम लोग को आशीर्वाद दे तो ये जगह बहुत अच्छा हो जाएगा, आईटी और आईटीएस का डेस्टिनेशन बन सकता है। इतना अच्छा क्लाइमेट है और यहाँ के लोगों का एक नेचुरल टैलेंट है,
इंग्लिश का, इंग्लिश स्पीकिंग का, जो ITES बिजनेस के लिए एक USP यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है। तो ये USP यूज़ करके यहाँ में जो लोग, जो कंपनी सेटअप होगा, उन लोग ग्रो भी करेगा, प्रॉफिटेबली भी होगा और बहुत प्रॉस्परस होगा। तो एक ITES इकोनॉमी शुरू हो जाएगा इन नेक्स्ट 1 to 2 years टाइम, और ये बढ़ते रहेगा बिकॉज फ्यूचर में टेक्नोलॉजी इज़ द ड्राइवर ऑफ द इकोनॉमी। थैंक यू। ये IT का बिल्डिंग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हम लोग को एक जगह दिया है 1.21 acres। वो बिल्डिंग है रिक्शा रोड, वो बिसाइड मिनिस्ट्री ऑफ इंजीनियरिंग सर्विस के बगल में, बहुत सुंदर जगह है। और हम लोग ये बहुत बेहतरीन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, जिसमें यहाँ का लोकल आर्किटेक्ट भी इन्वॉल्व है और कलकत्ता का आर्किटेक्ट इन्वॉल्व है। उन लोग बहुत बेहतरीन डिज़ाइन किया है जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होगा। आपको सिंगापुर में जो दिखेगा वो यहाँ मिलेगा। तो ये बिल्डिंग शुरू हो जाएगा, उसका टेंडर भी निकल गया है, हमारा वेबल का वेबसाइट में आपको मिल जाएगा वो डिटेल्स। और उसकी अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट होगा करीब 35 से 36 करोड़ के अंदर, अभी इनिशियल एस्टिमेट है। और वो जगह से 1000 से ज़्यादा डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट और 5000 से ज़्यादा इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। और वो बिल्डिंग देख के हमारा उम्मीद है कि इंटरनेशनल कंपनीज भी वहाँ यहाँ आके सेटअप करेगा। जलपाइगढीमा मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले शनिबार सर्किट बेन्चको उद्घाटन गरेकी छिन्। जलपाइगढी स्टेशन लाइनमा शनिबार आयोजित एक भव्य सरकारी कार्यक्रमको अवसरमा राज्यका राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी लगायत कलकत्ता हाइकोर्टका मुख्य न्यायाधीश विश्वजित महापात्र पनि उपस्थित रहेका थिए। सिलिगुडी बार एसोसिएशन एन्ड द बार एसोसिएशन्स अफ दिनहाटा, तुफानगंज, कार्स्याङ, माथाभाङा, मेटिलगंज, योर एक्टिव सपोर्ट विल हेल्प दिस डेभलपमेन्ट। And Kalimpong. This is the land of the Rajbongshis, the Mage, the Ravas, the Totos, the Limbus, the Lepchas, the Santals, the Madasias, the Uraus, the Chetris, the Kamis, the Amais, the Sarkis, the Gurungs, the Tamans, the Tamis, the Sherpas, the Bhujas, the Bhutias, Lamas, Bengalis, and to name some, so many others. This list is practically endless. Situated on the southern side of the foothills of the Himalayas, in the Tera region, at the confluence of the river Tissa and river Korora, and dotted by innumerable rivulets and crisscrossed by hillocks. সুরক্ষিত রাখতে হয়, বিচার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে হবে, ভারতবর্ষের সংবিধানকে সুরক্ষিত রাখতে গেলে গণতন্ত্র মজবুত করতে হবে, আর ভারতবর্ষের সংবিধানকে সুরক্ষিত রাখতে গেলে মিডিয়া যারা আছে মিডিয়াকেও ইম্পার্শিয়ালি একটা বোল্ড জিনিস পালন করতে হবে। আর আইনজীবীদের কাছে আমার রিকোয়েস্ট, হয়তো জীবনে অনেক টাকা কামাবেন, অনেক কষ্ট করে গাছতলায় অনেকে অনেক কষ্ট করতে হয়, কিন্তু জীবনে যা অর্জন করবে তার 5% বা 10% প্লিজ দয়া করে গরিব মানুষদের একটু দেখে দেবে, ঈশ্বর অনেক আশীর্বাদ দেবে, আল্লাহ অনেক দোয়া দেবে। আপনারা সকলে ভালো থাকুন। আমি আজকে আমাদের বিচারপতিদের সাথে, তাদের খড়রীরা এসছেন, তারাই কিন্তু পরিবারটাকে সামলায়, যারা আসতে পারেননি কিন্তু যারা এসছে তাদের সকলকেও অনেক অনেক অভিনন্দন। ভালো থাকবেন, খড়ও সামলাবেন, আর যাতে বিচারপতিদের কানে কানে একটু একটু বলা বিচার হাইকোর্টকে, কলকাতা হাইকোর্টকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আজকের এই অনুষ্ঠানে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য, আমাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ দিতে হবে। অনেক ছেলে মেয়েরা আছে খুব ভালো বোঝে, খুব ভালো লয়ার, বাট তারা হয়তো ইংরেজিটা এত চটপট করতে পারবে না। অনেকে ভালো ড্রাফটিং করে কিন্তু বাংলায় ড্রাফটিংটা ভালো করে, কিন্তু ইংরেজিতে ড্রাফটিং করলেও ড্রাফটিং এটা কলে করা যায়,
লয়ারদের কতগুলো সিস্টেম আছে, লয়ারদের কমন সেন্স অ্যাপ্লাইড আর্টিকেল অলসো ইন এ প্রপার ম্যানার, সেটা নিয়ে আমি এখন কোনো বেশি কথায় যাচ্ছি না, কারণ আমি কম বুঝি বলি। আমি সাধারণ মানুষের ভাষা যেটা বুঝি সেই সাধারণ মানুষের ভাষায় বলতে পারি। জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চ দীর্ঘদিনের আপনাদের একটা ইচ্ছা পূরণ হলো, আপনাদের স্বপ্ন সার্থক হলো, মাটির গন্ধের স্বাদ পাবেন, ভাওয়াইয়ার স্বাদ পাবেন, ভাটিয়ালির স্বাদ পাবেন, পাহাড়ের স্বাদ পাবেন, জলদাপাড়ার স্বাদ পাবেন, জয়ন্তীর স্বাদ পাবেন, মালবাজারের স্বাদ পাবেন, বালুরঘাটের স্বাদ পাবেন, ফাঁসি দেওয়ার স্বাদ পাবেন, মাটিগড়ার স্বাদ পাবেন, দিনহাটার স্বাদ পাবেন, মাথা ভাঙার স্বাদ পাবেন, ছিটাই থেকে শুরু করে হলদিবিড়ি হলদিবাড়ি একেবারে আলিপুরদুয়ার থেকে শুরু করে নাগরাকাটা থেকে শুরু করে সব জায়গাতেই স্বাদ পাবে সমস্ত মানুষের। কিন্তু এখানে এত মানুষের বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য, যেটা হচ্ছে ইউনিটি ইন ডাইভার্সিটি, যেটা একটা উত্তরবঙ্গের বড় সম্পদ। সবাই ভালো থাকুন, সবাই সুন্দর থাকুন এবং কর্মবোধ করুন। যে জিনিসটা তৈরি হলো আজকে, এটা ঠিক আমরা ক্ষমা প্রার্থী প্রোগ্রামটা হাইকোর্টে, ছোট্ট জায়গায় তাদের কাছে এত বেশি জায়গা নেই যে সমস্ত মানুষকে স্থান দিয়ে এখানে বসতে দিলে ভালো হতো। হাজার হাজার মানুষ বাইরে অপেক্ষা করছে। আমাকে অনেকে বলেছে আপনারা বড় জায়গায় কেন করলেন না, আমি বললাম প্রোগ্রামটা তো হাইকোর্টে, তারা যেভাবে অর্গানাইজ করতে পেরেছে জায়গার মধ্যে সেই সব কিছু মিলিয়ে যদি দেখে একটা সৌন্দর্য প্রকৃতির খনি, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ভূসর্গ বলা যায়। একদিকে দার্জিলিং, অন্যদিকে জলপাইগুড়ি, অন্যদিকে আলিপুরদুয়ার, ওদিকে কুচবিহার, কি নেই। বিশ্ব সমাদারবাবু বলছিলেন ভাষাগুলো নিয়ে, টোটো থেকে শুরু করে রাভা থেকে শুরু করে রাজবংশী থেকে শুরু করে কামতাপুরি থেকে শুরু করে অনেক আছে। আমরা দার্জিলিংয়ে প্রায় 15টা বোর্ড তৈরি করে দিয়েছি, ডেভেলপমেন্ট বোর্ড। আলিপুরদুয়ার নতুন জেলা আমাদের সময় তৈরি হয়েছে, কালিম্পং নতুন জেলা আমাদের সময় তৈরি হয়েছে, আমাদের সময় ঝাড়গ্রাম নতুন জেলা তৈরি হয়েছে, আমাদের সময় আসানসোল নতুন জেলা তৈরি হয়েছে, আরও সুন্দরবনের ওখানে 3টে নতুন জেলা তৈরি হওয়ার কথা আছে এবং আরও অনেকগুলো কাজ হচ্ছে। বর্তমান আসানসোল জেলা তৈরি হয়েছে, 6টা পুলিশ কমিশনার আমাদের সময় এই 7 বছরের মধ্যেই তৈরি হয়েছে। আমাদের আগে 88টা ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট ছিল, মানুষ যাতে তাড়াতাড়ি বিচার পায়, মেয়েরা যাতে তাড়াতাড়ি বিচার পায়। পরে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এগুলোকে বন্ধ করে দেয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা কিন্তু রাজ্য সরকারের খরচায় এগুলোকে চালিয়ে আসছি এবং জিটিএ চেয়ারম্যান বিনয় তামাংলে হালই আফ্নো কলকাতা ভ্রমণকো অবধি মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীসিত ভেট গরি জিটিএ ক্ষেত্রকা সেকেন্ডারি ভলেন্টিয়ার টিচারহরুকো থাতিমা রহেকো বিষয় লগায়ত অন্যান্য বিষয়হরুমাথি চর্চা গরি সকারাত্মক প্রতিশ্রুতি প্রাপ্ত গরিয়েকো জানকারী দিয়েকা ছন। মুখ্যমন্ত্রীসিতকো ভেটঘাটমা হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলকা 59 শিক্ষকহরুকো নিযুক্তি, 14টা স্কুলকো মান্যতা অনি 116জনা নয়াঁ ভলেন্টিয়ার টিচারহরুকো নিযুক্তি ইত্যাদি বিষয়মা চর্চা গরিয়েকো জানকারী গরাউনুভয় চেয়ারম্যান তামাংলে। यसबारेमा सरकारी आदेश आइसकेको र अब जिटिएले नियुक्ति प्रक्रियालाई अघि बढाउने जानकारी दिएका छन्। विशेष गरेर अस्तिको दिन बेलुकी 5:30 बजी नवन्नमा बङ्गालका माननीय मुख्यमन्त्री सुश्री ममता ब्यानर्जी, जिटिएका भाइस चेयरम्यान अनित थापा, दार्जिलिङका विधायक अमर सिंह राई, हामी माझमा एउटा भेटघाट भयो अनि एउटा हामीले त्यहाँ धेरै विषयहरूमा विविध चर्चा परिचर्चा गऱ्यौँ। अनि बङ्गालका मुख्यमन्त्री उहाँ दार्जिलिङ पहाड लिएर धेरै उहाँले राम्रो विचारहरू राख्नुभयो र तत्पश्चात हाम्रो कतिवटा पेन्डिङ इस्युजहरू थियो, त्यो पेन्डिङ इस्युजमा डेभलपमेन्ट वर्कहरूको कुरा बात भयो।
र उहाँले तुरुन्तै चुनावको अधिघोषणा जारी गर्नुभन्दा अगाडि यो कुराहरू सक्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। र विशेष गरेर सेकेन्डरी टिचर्सहरू जो भोलिन्टियर्सहरू थियो अहिलेसम्म हामीले पहिला 16 जना त्यस पछाडि 129 जना त्यस पछाडि 429 जनालाई छोडिसक्यौँ। तथापि हायर सेकेन्डरीको अन्य भेरिफाइड टिचर्स न्यू सेटअपको स्कुलको 59 जना टिचर्स र 14 वटा स्कुल छ सेकेन्डरी स्कुलहरू जो नन रेकग्नाइज हो त्यसलाई रेकग्नाइज पनि गर्ने अनि साथसाथै त्यहाँ अहिलेसम्म भलिन्टियर्स सेवा पुऱ्याएर आउने जति पनि टिचरहरू छ उहाँहरू 116 जना छ। उनीहरूको नियुक्ति बारेमा चर्चा भएको थियो र हिजो मात्रै एउटा अर्डर आयो र अर्डर मार्फत उनीहरूको अब जिटिएबाट हामी अपोइन्टमेन्टको प्रक्रिया सुरु गर्छौँ। किनभने अर्डर आइसक्यो, अब अर्डर आइसकेपछि इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियाको मापदण्डभित्र आउँदैन किनकि इलेक्सन डिक्लेयर भएको छैन र यो प्रोसेस स्टार्ट भयो। त्यो बाहेक एसएससी टिइटी गर्ने 4 जनाको केस थियो, एउटा चाहिँ एसएससी टिइटी नै गरेको तर यो सम्भवतः 16-17 छोडिनु पर्थ्यो उहाँहरूको, तर 17 आन्दोलन गर्दाखेरि त्यो स्थगित रहेको थियो, उहाँहरूको एपोइन्टमेन्ट आएर पनि क्यान्सल भएको थियो, फेरि जोइन नगर्नु पाएर आन्दोलनले गर्दा र उहाँहरू 8 जना लगाए र अब जम्मा यो सबै छोडिसकेपछि हामीले 1 वर्षभित्रमा सेकेन्डरी टिचर चाहिँ 1187 जनाको हुन्छ उहाँहरू र यो सेकेन्डरीको प्रायः प्रायः सकिन्छ। तत्पश्चात चुनाउ भए पश्चात, चुनाउ सकिए पश्चात हामी त्यहाँदेखि प्राइमेरीको भोलिन्टियर टिचर्स अरू टिचर्सहरू छ प्राइमेरी सेक्सनको उहाँहरूको प्रक्रिया सुरु गर्दैछौँ, जसको कागजपत्र पनि चलिरहेको छ, अहिले धेरैवटा जग्गामा फर्म फिलअपहरू पनि हुँदैछ। जिटिए चेयरम्यान विनय तामाङले आगामी लोकसभा चुनावका लागि मोर्चाले टिएमसी सुप्रिमो ममता ब्यानर्जीको अगुवाईमा गठन भएको तेस्रो मोर्चाको एक घटक दलको रूपमा प्रार्थी दिने तय गरेको जानकारी दिएका छन्। मोर्चा आफैले भने अहिले प्रार्थीको चयन नगरेको तर तेस्रो मोर्चासँग मिलेर नै प्रार्थी दिने उनले बताएका छन्। चुनाव विषय लिएर हामीले बारम्बार भन्दै आइरहेको छौँ कि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा तेस्रो गठबन्धनको एलायन्स जो 22 पार्टी छ त्यसको एउटा पार्टी पनि हो अनि त्यसमा तृणमूल कङ्ग्रेस, राज्यको तृणमूल कङ्ग्रेस पार्टी पनि त्यो एलायन्सभित्र रहेकोले गर्दाखेरि जुनै पनि हामी निर्णय लिन्छौँ तेस्रो मोर्चालाई माथि राखेर र एलायन्स पार्टीको सुविस्तालाई हेरेर र हाम्रो भित्रको जुन रणनीतिलाई हेरेर नै निर्णय लिन्छौँ हामी। र जति बेला हाम्रो इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियाले चुनावको अधिसूचना जारी गर्छ तब हामी सठिक समयमा सठिक निर्णय लिन्छौँ सबैसित बातचित गरेर। दार्जिलिङ लोकसभा समष्टिमा तेस्रो मोर्चाको उम्मेदवार हुन्छ, मोर्चाको होइन, टिएमसीको पनि होइन। त्यस तपाईँले तेस्रो मोर्चा भनेको एउटा अम्ब्रेला अर्गनाइजेसन हो, यो थर्ड फ्रन्ट अम्ब्रेला अर्गनाइजेसन हो। त्योभित्र 22 पोलिटिकल पार्टिज, नेसनल लेभलको पोलिटिकल पार्टिज, रिजनल पोलिटिकल पार्टिज अनि वान अफ द रिजनल पार्टिज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पनि हो, त्यसले गर्दा त्यहाँ छ। अब हामीले समग्रमा सबैको स्ट्राटेजीलाई हेरेर नै हामीले निर्णय लिनुपर्छ। एन्ड एउटा के कुरो छ भने दार्जिलिङ लोकसभा क्षेत्र यो प्रेस्टिजियस हो, किनभने ओन्ली नट ओन्ली फर अस बट अल्सो फर द बिजेपी पार्टी, पार्टीको लागि बिजेपी पार्टीको लागि, त्यसले गर्दा उनीहरूले पनि कुनै कसा छोड्दैन होला, हामी पनि कुनै छोड्दैन। तर म यही बारम्बार भन्दैछु, योपालि बिजेपी पार्टीको जो पनि क्यान्डिडेट होस्, चाहे नरेन्द्र मोदी होस् या अमित शाह नै यहाँबाट खडा भयो भने हामी उहाँहरूलाई हराएर पठाउँछौँ। अर्कोतिर हिल टिएमसी पार्टीले पार्टी हाईकमान्ड अर्थात् मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीको निर्देश अनुसार नै प्रार्थी घोषणा गर्ने जिल्ला अध्यक्ष तथा मिरिक नगरपालिका चेयरम्यान एलबी राईले बताएका छन्। शनिबार मिरिकमा पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै जिल्ला अध्यक्ष राईले यस्तो बयान दिएका हुन्। मेरो
अब हाम्रो पार्टीको उम्मेदवार त विश्वविद्यालय र हामीसँग कुनै किसिमको छैन. हामीले पहिलादेखि भन्दै आएको छौँ पार्टीले मतलब जसलाई मतलब यो हाम्रो पार्टीको उम्मेदवार हो भनेर घोषणा गर्छ र हामीलाई जे भन्छ हामी त्यो निर्देश पालन गर्न लागि तयारी छौँ. र अहिले मतलब अहिले हामीले मतलब डिस्ट्रिक्ट कमिटीले हामीले उम्मेदवारको विषय लिएर सोचेको छैनौँ र सोच्ने काम हाइकमानको हो र हाइकमानले जे निर्देश दिन्छ हामी त्यसमा नै अलिक यो सक्छ मतलब लोकसभा इलेक्सनकै प्रिपेरेसनको लागि हामी गाउँ बस्ती गइरहेछौँ. र त्यसले गर्दाखेरि अहिले हाम्रो पनि मतलब बिजी सेड्युल भएकोले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ हामी विशेष गरी गाउँ बस्तीमा शाखा प्रशाखा आफ्नो सङ्गठन नै दरिलो बनाउने पक्षमा छौँ. गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय गुटले तृणमूल कङ्ग्रेस समर्थन गर्ने सम्भावना व्यक्त गरिरहेको अवस्थालाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? अब यो जिम्मेवारी मेरो होइन, यो जिम्मेवारी मतलब राज्य सरकारको. उहाँहरूसँग के बातचित भएको छ, के सम्भावना छ होइन, र उहाँहरूले मलाई हाइकमानको जब डाइरेक्सन आउँछ, जब निर्देश आउँछ हाइकमानले जे गर भन्छ म त्यो गर्नु लागि तयारी छु. र अहिले यो विषय लिएर हामीहरू उहाँहरूसँग उहाँहरूको पोलिटिकल स्ट्यान्ड आफ्नो छ, हामी आफ्नो स्ट्यान्डमा छौँ. र अब राज्य सरकारबाट उहाँहरूसँग तालमेल भएर आएछ भनेदेखि हामी उहाँहरूले पनि हामीसँग सरसल्लाह गरेर र हामी पनि यस विषयमा सरसल्लाह. तर हामीलाई हाइकमानबाट अहिले डाइरेक्सन आएको छैन. सिलगढीको साहुडाङ्गी बरुवापाडामा शनिबार टोटो अटो रिक्साको चपेटमा परि एक अढाई वर्षको बालकको मृत्यु भएको छ. घटनाअनुसार बरुवापाडाको एउटा घरको अढाई वर्षको बालक आँगनमा आज खेलिरहेको थियो. छिमेकी घरमा बिहे थियो. आमन्त्रित अतिथिहरूमध्ये एक हुल अतिथि टोटो अटो रिक्सामा आएका थिए. प्राप्त जानकारी अनुसार अटोका चालक चाबी गाडीमा छोडेर केही क्षण बाहिर गएका थिए. सोही समय उक्त बालक खेल्दै खेल्दै अटोमा चढ्न पुग्यो. बालकले जसै अटोको चाबी चलायो अटो कुदेर गई भित्तामा ठोकिएर पल्टियो. यसरी अटो पल्टिँदा बालक चेप्टिन पुगेको बताइन्छ. पछि अस्पतालमा लैजाँदा चिकित्सकहरूले उक्त बालकलाई मृत घोषित गरिदिएका छन्. আপনাদের কি মনে হচ্ছে যে টোটোওয়ালার কোনো ভুল ছিল? টোটোওয়ালারই ভুল এটা, কারণ উনি চাবি একটা গাড়ি চালাচ্ছে, গাড়িতে চাবি রেখে বাচ্চা কাচ্চা আছে ওখানে ওইভাবে যাওয়াটা ঠিক হয়নি. যদি ফাঁকা জায়গা হতো রেখে যেত তাহলে একটা আলাদা জিনিস. এমনও তো হয় যে চাবি রেখে দিয়ে টোটো চুরি করেও তো কেউ নিয়ে যেতে পারে. উনার কি সেটা রেসপন্স নেই যে আমি চাবি রেখে আমি কোথাও যাচ্ছি? তো এখন কি আপনারা কোনো স্টেপ নেবেন? নেবো মানে আমাদের এটা উনার কঠোর শাস্তি হওয়া দরকার যে উনি এইভাবে কেন টোটো রেখে গেছে. আমাদের কোনো এফআইআর বা কিছু? হ্যাঁ, 100 বার করবো আমরা এফআইআর. আমরা এর প্রতিবাদ চাই. আমরা কার বিরুদ্ধে এফআইআর? টোটোওয়ালার বিরুদ্ধে. টোটোওয়ালার নাম জানি না. আমরা পেশেন্ট নিয়ে এখানে তাড়াতাড়ি করে চলে আসছি. তো টোটোওয়ালা ওখানে আটকানো আছে, টোটোও আছে. আমরা আগে এই জন্য পেশেন্টটাকে নিয়ে আসছি যে পেশেন্টটাকে আগে দেখতে হবে. এখন নিয়ে আসছি. ডাক্তারবাবু এখানে মৃত বলে ঘোষণা করছে. এখন আমরা এটাকে পুলিশ কেস করব. लगातार मौसम परिवर्तनको कारण सिलगढी अनि छेउछाउका इलाकाहरूमा नानीहरू धेरै बिमार भइरहेका छन्. अहिले सिलगढी जिल्ला अस्पतालमा यस्ता बिमारी नानीहरूको सङ्ख्या धेरै बढेर गएको छ. यसैबीच सिलगढी सालुगढा चेकपोस्ट नजिक शुक्रबार प्रख्यात शिशु विशेषज्ञ डाक्टर खेमकाको क्लिनिकले आफ्नो क्लिनिक उद्घाटन अवसरमा नवजात शिशुका अभिभावकहरूलाई लिएर एक सचेतना कार्यक्रम आयोजित गरेको थियो. यस दिन धेरै अभिभावकहरू क्लिनिकमा आएर मौसम परिवर्तनको कारण नानीहरू बिमार हुने विषयमा डाक्टर खेमका अनि अन्य चिकित्सकहरूबाट निशुल्क परामर्श लिएका छन्. मकसद है सुविधा, सबको फैसिलिटी मिले, इजीली अवेलेबल हो जाए. हम सुबह सबसे पहले यहाँ पे आके लोगों को देख सकें,
अच्छे से एग्जामिन कर सकें, अच्छे से सारा फैसिलिटी मिले लोगों को बैठने के लिए, इंस्ट्रूमेंट्स मिल सके अच्छे, मकसद यही है। क्या क्या सुविधाएं हैं इसमें? चैम्बर्स हैं, मेडिकल स्टोर है अंदर, नेबुलाइजेशन रूम है, कई बार बच्चों को नेबुलाइजर देना पड़ता है, भाप कर देना पड़ता है, उसके लिए अलग फैसिलिटी है, और स्पेस है, बच्चों को थोड़ा जगह ज़्यादा चाहिए खेलने के लिए, करने के लिए, उसके लिए जगह है यहाँ पे, और इजीली ऑपरेट होगा, इजीली आप रिसेप्शन पे कॉल करके डायरेक्ट अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, ये सब फैसिलिटी होगा यहाँ पे। कितना हाइजीन, हाइजीन को पूरा ध्यान में रखा गया है, हर तरह से हाइजीन को ध्यान में, अलग से बाथरूम बनाया गया है पेशेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, सब तरह का फैसिलिटी है यहाँ पे। कितना सुविधा होगा इस सारे? इकोनॉमिकल सुविधा भी होगा, स्पेस का भी सुविधा होगा, मैं इजीली अवेलेबल भी हो पाऊँगा, टाइम भी दे सकूँगा, और जैसे कई लोग मॉर्निंग में चाहते हैं कि डॉक्टर मॉर्निंग में जल्दी अवेलेबल हो जाएं, तो यहाँ पे सबसे पहले मॉर्निंग में अवेलेबल हो पाऊँगा मैं, और देख पाऊँगा उनको। डॉक्टर साहब, अभी फिलहाल सीजन का वजह से बच्चे का कई बीमारी, बहुत फ्लू, हाँ फ्लू सबसे ज़्यादा कॉमन है, भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि बच्चों को सर्द और गर्म से बचाना, जैसे अभी मौसम सर्द है फिर गर्म हुआ, इसके कारण सबसे ज़्यादा फ्लू का प्रॉब्लम होता है बच्चों में, तो उसके लिए आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम कोशिश कीजिए कि आप कम से कम एक नॉर्मल टेम्परेचर में बच्चे रखें, ऐसा नहीं कभी ठंड हुआ कभी गर्म हुआ, इस तरह से दिक्कत ज़्यादा होगा, तो वो एक टेम्परेचर आपको मेंटेन रखना, हाइजीनिक बच्चों को रखना ही चाहिए, और जो ज़्यादा ठंड हो तो डेली स्नान मत करवाइए उसको, जैसे स्पॉन्जिंग करके रखिए आप, इस तरह सारा फैसिलिटी उनको देना पड़ेगा।